अनफॉर्चुनेटली इस बार तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ कोई भी परफॉर्मेंस दंगल के लिए. बेस्ट फीलिंग होगी, आई मीन अवार्ड मिलेगा, इससे बेस्ट फीलिंग और क्या हो सकती है. थैंक यू सो मच. करेक्ट. ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ. एक तो एक्टर्स को अवार्ड मिलता है तो ऑफकोर्स एक मोटिवेशन मिलता है कि अवार्ड मिल रहा है तो और हम मेहनत कर सकते हैं. दूसरा चीज़ कि बाकी जितने भी दोस्त यार होंगे, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स होंगे, उन्हें भी मिलने का एक मौका मिल जाता है. आई थिंक तो यही सब कुछ फंक्शन या इवेंट होते हैं जहाँ हमें मौका मिलता है कि हम अपने कलीग्स या दोस्त यार को मिल पाए. दंगल के और भी काफ़ी दोस्त यार हैं जो मेरे शो कर रहे हैं, सो उन्हें मिलूँगा, उनके साथ चिल करूँगा और बस इंजॉय करूँगा. करें अनफॉर्चुनेटली इस बार तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ कोई भी परफॉर्मेंस दंगल के लिए, बट मेरे शो से डेफिनेटली मेरा भाई और मेरी भाभी वो लोग कर रहे हैं और मैं वो लोग के लिए हूट करूँगा और आई एम श्योर वो लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे और बहुत अच्छा डांस करेंगे. स्पॉइलर तो मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे खुद को पता होगा. मुझे खुद को नहीं बताया ये लोग ने. मे बी आई थिंक सो ये लोग सस्पेंस रख रहे होंगे कि शायद हम एक्टर्स इतना एक्साइटेड रहते हैं कि अगर कुछ भी पता चलता है तो हम लोग पहले ही इंस्टाग्राम या हर जगह डाल देते हैं. सो मे बी मुझे लगता है उसी लिए दंगल वाले लोग ने कुछ भी हमें नहीं बताया. इस बार कम्प्लीटली ब्लैंक है. दो तीन नॉमिनेशन डेफिनेटली वो लोग ने लीक आउट किया है बट उसके अलावा कुछ भी नहीं पता है. आई होप कुछ ना कुछ अवार्ड मिले, और मिले ना मिले बट ऑडियंस का जो प्यार है उतना काफ़ी है. ऑफकोर्स क्यों नहीं है. बेस्ट फीलिंग होगी, आई मीन अवार्ड मिलेगा, इससे बेस्ट फीलिंग और क्या हो सकती है. सो आई होप अवार्ड मिले. आई थिंक सो सभी, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा टाइम होगा जहाँ मैं थोड़ा सा चिल करके इंजॉय करूँगा, ना कि परफॉर्म करूँगा या मेरे को स्क्रिप्ट रहेगा, मेरे को पढ़ना रहेगा और मेरे को इधर मैं बेसिकली इंजॉय करने आया हूँ. और सो मैं सभी का परफॉर्मेंस इंजॉय करूँगा. सिमरन ने बहुत गलत टाइम पे शो छोड़ दिया है या बोले कि उसका बहुत गलत टाइम पे ट्रैक खत्म है, जो भी है, बट कोई नहीं. सिमी और मैं जब भी मिलेंगे हम आपके लिए रील्स बनाते रहेंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद है इंस्टाग्राम पे. ये दंगल अवार्ड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, सो आप लोग प्लीज़ इसे मिस मत करना. और तुसैन अन्ना मलाइका के शो को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करना और हम लोग आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे.